मेडिकल कॉलेज और नगरपालिका के अफसरों की साठगांठ से चल रहा अतिक्रमण का खेल। खबर शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज से है, जहां पर काफ़ी समय से अतिक्रमणधारियों ने अपनी टपरियां बनाकर अतिक्रमण करके रखा है, पर इस अतिक्रमण से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के पास जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण को आके नगर पालिका क्यों नहीं उठाना चाहती, या नगर पालिका को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, या फिर यह जो अतिक्रमण हो रहा है वह नगर पालिका के आला अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। हम आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण किया गया है उसमें मेडिकल कॉलेज के आला अधिकारियों का भी हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नगरपालिका प्रशासन इस वजह से कार्रवाई करने में नाकाम है? कहाँ है नगरपालिका के CMO? हम आपको बता दें कि वैसे तो नगरपालिका द्वारा जगह जगह पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, पर मेडिकल कॉलेज के पास के अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया जा रहा? नगरपालिका के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, आखिर ऐसा क्या कारण है? और साथ ही क्या CMO साहब नगर की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम अपने नगरपालिका के ऑफिस पर ना बैठते हुए भी अपने घर से नगरपालिका के सारे काम कर रहे हैं या नगरपालिका को चला रहे हैं? नगरपालिका में नहीं मिलते हैं CMO साहब। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपनी आवेदन या समस्या को लेकर नगरपालिका जाता है तो नगरपालिका के CMO नगरपालिका ऑफिस पर उपस्थित नहीं होते हैं। नगरपालिका के CMO साहब कभी नगरपालिका ऑफिस पर नहीं मिलते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि अतिक्रमणधारियों द्वारा जो अतिक्रमण कर वहाँ पर अपनी जो टपरियाँ बनाई हैं, इन टपरियों को 3,000 या 4,000 महीने पर कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा किराए पर देकर रखा गया है। साथ ही ऐसी जानकारी लग रही है कि जो टपरियाँ किराए पर दी गई हैं वे मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसरों की को है, जिनका किराया मेडिकल ऑफिसरों के पास जाता है, जिनके सिरे से यह अतिक्रमण कराया जा रहा है। इस पर नगरपालिका जल्द कार्रवाई करे।